हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में आज से ऑड इवन नियम के तहत बाजारों को खोल दिया गया है। इस समय कश्मीरी गेट मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो दुकानें हैं वो दरअसल ऑड और इवन नियम के हिसाब से खुली हुई हैं, यानी जो ऑड नंबर की दुकानें हैं, चूंकि आज ऑड तारीख है तो आज ऑड नंबर की दुकानों को खोला गया है और इसके साथ जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बाजारें काफी समय से बंद थी, इसेंशियल चीजों की दुकानें ही सिर्फ खोली जा रही थी। तो अब ऐसे में जो इसेंशियल सामान है उनकी दुकानें तो खुलेंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ बाकी दुकानों को भी खोला जाएगा, लेकिन सिर्फ ऑड इवन नियम के तहत। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अभी सैनिटाइजेशन प्रक्रिया जो है वो मार्केट एसोसिएशन की ओर से कराई जा रही है और तमाम हिदायतें जो दी गई हैं सरकार की ओर से उनका भी पालन किया जा रहा है। और इस समय सैनिटाइजेशन और यहाँ पर जो मास्क दिया जा रहा है लोगों को, जो दुकानदार हैं उनको, और साथ ही उनको रखने के लिए भी दिया जा रहा है कि अगर किसी के पास मास्क ना हो तो उसको उपलब्ध भी कराया जाए। आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के कन्वेनर ब्रजेश गोयल भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, जो सैनिटाइजेशन का काम देख रहे हैं। सर, सैनिटाइजेशन आप लोग खास तौर पे आज मार्केट्स को खुलने से पहले और जरूरी है, काफी समय से बंद भी थी मार्केट? निश्चित रूप से, देखिए मार्केट लगभग पिछले 50 दिनों से बंद थी, तो जिस तरह से सरकार ने कल दिशा निर्देश जारी किए मार्केट खोलने के, तो इसीलिए आज से हमने ये शुरुआत की है। आज ये कश्मीरी गेट मार्केट एशिया का सबसे बड़ा ऑटो स्पेयर पार्ट्स का मार्केट है, तो पूरे मार्केट में गली गली में जाके हमारी जो टीम है सैनिटाइजेशन कर रही है। इसी तरह का अभियान हम पूरे दिल्ली में चांदनी चौक, खारी बावली, नया बाजार, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, सभी बाजारों में इस तरह का हमारा ये अभियान वहाँ की एसोसिएशन से मिलकर चलाएंगे। और आज देखिए, चूंकि ओड डे है, आज 19 तारीख है, आज ओड नंबर वाली दुकानें ही खुली हैं, तो जो सरकार ने ओड इवन का ये जो फॉर्मूला निकाला है ये सफल भी हो रहा है और व्यापारी पूरी तरह से इसका पालन भी कर रहे हैं। इसका पालन कराना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती भी, क्योंकि अब भीड़ बढ़ेगी या लोग ज्यादा आएंगे, तो ऐसे में और क्या हिदायतें दी गई हैं तमाम दुकानदारों को और जो व्यापारी हैं उनको? निश्चित रूप से देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर पुरानी दिल्ली के बाजार जहाँ पे कहीं पे 10,000 दुकानें हैं, कहीं पे 20,000 हैं, किसी किसी बाजार में 30,000 दुकानें भी हैं। तो सरकार ने जो ये ओड इवन का फॉर्मूला निकाला, ये इसीलिए निकाला कि किसी मार्केट में अगर 20,000 दुकानें हैं, 10,000 एक दिन खुलेंगी, 10,000 अगले दिन, यानी कि 10,000 दुकानों का रश ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा। फिर एक साथ सारी दुकानें खुल गई तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल होगा। तो ये निश्चित रूप से चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें लगता है स्थानीय मार्केट एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे कश्मीर गेट, खासकर जो हमारे प्रेसिडेंट है विष्णु भार्गव जी, इन्होंने पूरा दायित्व संभाला हुआ है और इनके नेतृत्व में आज पूरे कश्मीर गेट में 20,000 दुकानें हैं, तो पूरे कश्मीर गेट में ये सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। मार्केट इतनी समय से बंद थी, काफी नुकसान भी हुआ है, लेकिन अब जब खोल रहे हैं तो एसोसिएशन की तरफ से क्या आप लोग हिदायतें दे रहे हैं और फैसला सरकार का कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार का फैसला बहुत अच्छा है, बिकॉज 60 दिन के बिजनेस जो बंद रहे, लोगों के बिजनेसेस चौपट हो गए और लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, तो इसकी शुरुआत करनी है, बिकॉज कोरोना भी जाने वाला नहीं है, कोरोना इज हेयर टू स्टे, तो हमें उसके साथ जीने की आदत डालनी है। और इसीलिए सरकार का बहुत अच्छा फैसला रहा कि दुकानें चाहे ऑड इवन के माध्यम से, बिकॉज इसमें क्या, बाजारों में एक साथ भीड़ नहीं होगी। और जहाँ तक एसोसिएशन का सवाल है, एसोसिएशंस पूरा दायित्व निभा रही हैं, हमने मार्केट में स्प्रे किए हैं, स्कैनर्स हमने ले लिए हैं, स्कैनर्स द्वारा हम एक एक आदमी की यहाँ पे जांच करेंगे, उसके अलावा में यहाँ पे सैनिटाइजर्स का प्रबंध है, मास्क का प्रबंध है, और मार्केट पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मतलब अपना व्यापार और स्वास्थ्य दोनों की एक साथ जो है चिंता करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मार्केट एसोसिएशन का रोल बहुत अहम हो जाता है, और जैसा कि आज यहाँ पर ज्यादा दुकानें नहीं खुली हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर दो दुकानें हैं, एक ऑड नंबर की दुकान है, 2595 इसका नंबर है, आज ऑड तारीख है इसलिए ये खुली हुई है, और इसके ठीक बगल में जो इवन नंबर की दुकान है जिसका नंबर 2596 है, यानी ये कल खुलेगी। तो मार्केट में आने वाला जो रश है उसको आधा कर दिया जाए, हालांकि अभी भीड़ उतनी नहीं आई है मार्केट्स में, उतने लोग नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीदें की जा रही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे पटरी पर चीजें लौटेंगी उस हिसाब से लोग भी आना शुरू होंगे। हालांकि आज पहला दिन है तो इसको देखते हुए तमाम एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।